हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अज़मी बुखारी। जी हाँ दोस्तों, अज़मी बुखारी आ गया और आपके प्यार पर, चाहत पर, इकरार पर एक बार फिर निशा के साथ, और आपकी मोहब्बतों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कराची में लोड शेडिंग इतनी हो रही, अरे भाई कल की बात है, कल मेरे घर में लाइट आई गई। अब यार मेरे छत का पंखा भूल गया कि सीधे हाथ पे घूमना उल्टे हाथ पे घूमना। और जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं एसी का, और पाकिस्तान में लाइट जाती है गेट खोल के चेक करते हैं। उस्ताद लग रहा सबकी गई है ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ओके कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। आपने तो मेरी अफ्रीकन की बात को मैं बता रहा हूँ, अफ्रीकन का मैंने स्वर देखा, इतना बड़ा सर था ऐसा लग रहा बच्चा उल्टा सो रहा है। तो एक खातून थोड़ी सी हंसी तो मेरी सांस में सांस में बोला ले भाई हंस रहा है। चाचा कह रहे क्या हो गया तुम्हें, क्या मतलब है, बदतमीजी कर रही हो, एक लड़का कुछ सुना रहा है, अदब से सुना रहा है, उसकी बात सुनो क्या कह रहा है। कि कुछ बने या ना बने, कि कुछ बने या ना बने, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बने, सहारा जरूर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गुड इवनिंग पाकिस्तान। जैसा कि हम लोगों को पता ही है, मेरे हर शो में एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है। आज भी एक अमेजिंग एंड ब्रिलियंट पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद है, लेकिन आज थोड़ा सा शो डिफरेंट होने वाला है क्योंकि पर्सनैलिटी भी डिफरेंट है और मज़े का होने वाला है। ही इज़ अ कॉमेडियन और बेसिकली इन्होंने कम वक्त में एक बहुत अच्छा नाम बनाया है। बेसिकली हमारे लेजेंड है बरकत उज़्मी, उनके स्टूडेंट भी कह सकते हैं और इनको जूनियर कहा जाता है, बरकत अली के नाम से इनको जाना जाता है, बरकत भाई के नाम से। बेसिकली मेरे तो बहुत अच्छे भाइयों जैसे हैं तो मैं बरकत भाई कहती हूँ, और अगर बरकत भाई देख भी रहे होंगे तो थैंक यू बरकत भाई, आप इतने अच्छे टैलेंट को इतना मौका दे रहे हैं, न्यू टैलेंट्स को सिखा रहे हैं। और जब मैंने इनकी अभी कॉमेडियन जानी थोड़ा सा ब्रेक इससे पहले, तो मैंने बोला वाह वाह बहुत अच्छी क्लास दे रहे हैं बरकत भाई। एनीवे, तो आज हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली अज़ीम बुखारी। हाय अज़ीम, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जितने भी मुझे देख रहे हैं आप सबको अज़ीम बुखारी का बादशाह सलाम। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपने स्टाइल से आऊंगा देखिए। मैं तो, मैंने भाई बोला ना आज थोड़ा सा शो ही मेरा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि भाई इन्होंने जैसा इंट्रो आगे दिया था, मैंने बोला भाई आज तो मजे का शो होने वाला है, क्योंकि यहां आपके जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, हाँ, और इनके लिए मैं आज थोड़ा सा स्पेशल, थोड़ा सा चेंज, एक बढ़िया और अपने स्टाइल में अज़मी बुखारी कहता है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आई एम अज़मी बुखारी। जी हाँ दोस्तों, अज़मी बुखारी आ गया और आपके प्यार पर, चाहत पर, इकरार पर एक बार फिर निशा के साथ, और आपकी मोहब्बतों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन करें निशा, बात करते हैं सबसे पहले लोड शेडिंग की। मैंने कुछ पूछा ही नहीं है, डायरेक्ट आई भी कौन सी बात पे, जिससे आजकल लोग किसी चीज से नहीं डर रहे, सिर्फ और सिर्फ के इलेक्ट्रिक से डर रहे हैं। तो जब इन्होंने बात की तो चले भाई स्टार्ट कर लेते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? कराची में लोड शेडिंग इतनी हो रही, अरे भाई कल की बात है, कल मेरे घर में लाइट आई गई। अब यार मेरे छत का पंखा भूल गया कि सीधे हाथ पे घूमना उल्टे हाथ पे घूमना। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद क्या, पंखा ही भूल गए। अच्छा यकीन करें, जब लाइट, हमारी छोटी छोटी खुशी है, अच्छा, हमारी हाँ। जो खुशियां हैं बड़ी छोटी छोटी खुशियां हैं। exactly. लाइट जब जाती है, सही है, और टाइम से पहले 5 मिनट आ जाती है, तो क्या कहते हैं, 7-5 मिनट पहले लाइट आ गई। जबरदस्त। हमारा प्रॉब्लम क्या है, यकीन करें, इफ यू डोंट माइंड, हमारी प्रॉब्लम है, जब वेस्टर्न ममालिक में जब लाइट जाती है तो फोन करते हैं बापडा को, यार लाइट चली गई, वापडा को फोन करके पूछते हैं व्हाट योर प्रॉब्लम, और जापान में लाइट जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं एसी का, और पाकिस्तान में लाइट जाती है गेट खोल के चेक करते हैं। उस्ताद लग रहा सबकी गई है। जबरदस्त, ऑसम यार, नाइस यार, ग्रेट ग्रेट यार अज़मी, बताए लड़कों की कॉमन सेंस को पता नहीं क्या हो गया, इफ यू डोंट माइंड। ओह माय गॉड, क्या हो गया बताओ, जेंट्स टॉयलेट में लिख कर आ गए उज़्मा आई लव यू, अब उज़्मा वहां पढ़ने जाए क्या? ओह माय गॉड। यार निशा एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, यकीन करें, डोंट माइंड ना, या 76 ईयर कंप्लीट होने को है, माशाल्लाह या, लेकिन आज तक हमें यही नहीं पता कि यार हेलमेट सर पे पहनना है या बाइक पे रखना है। हकीकत है, जो बात है। यकीन करें, जब मैं बचपन में था ना, मैं अपनी क्लास फेलो को बोलता था आई लव यू, मुझे क्या कहती थी, शक्ल देखी अपनी। आज उनके शोरों को देख के सुकून मिलता है। ओह माय गॉड, क्यों, शोरों में क्या ऐसा, ये टंकी है बड़ी। ग्रेट, ऑसम, एनीवे,
बहुत, मुझे तो शुरू में इतना मजा आ रहा है, मैं तो सोच रही हूँ उनके साथ जब मैं प्रॉपर अभी जब स्टार्ट में इतना एंजॉय करे तो आगे कितना एंजॉय होगा। एनीवे अजमी, इतना अच्छा टैलेंट, इतना ब्रिलियंट तुम काम कर रहे हो, तो शुरू से क्रेज था कि कॉमेडियन बनूंगा, किसको देखकर सीखे, किसको देखकर ये शौक उठा? देखे, मैं जब 8 क्लास में था निशा, तो मैं स्कूल के जो टैबलो होते हैं उसमें मैं परफॉर्म करता था। अच्छा, तो शायद सर जमील मुझे देख रहे हो, तो पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और मुझे सर जमील ने बड़ा सपोर्ट किया, अबे यार तू कर सकता है, यार तू कर सकता है। फिर एक मेरा दोस्त स्कूल का, हम लोग पार्क में बैठे हुए, हम लोग मिमिक्री के हवाले से, उस टाइम नोकिया नमक पारा टाइप का एक फोन निकला था, याद हो शायद, है ना? Exactly. तो यार उस टाइम तो हम लोग मिमिक कर रहे, तो उसने बोला यार ये तो आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, मैं अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता हूँ। उन्होंने करी वो 2-3 बार, जब उन्होंने सुनी उसको, बोले यार ये तो ये आवाज़ है, ये आवाज़ है भाई, तू यार टैलेंट है, बच्चे में टैलेंट है, है ना बच्चे। फिर उसके बाद ध्यान, बस उसने बस टैलेंट को जो है, टैलेंट ही टैलेंट, बस फिर वहाँ स्कूल से शुरू कर दिया। फिर स्कूल से शुरू किया, फिर मैंने बरकत भाई को देखा बकायदा। बरकत कैसे मिले, बरकत भाई से कैसे कांटेक्ट हुआ? बरकत भाई से ऐसे कांटेक्ट हुआ कि नुमान जलाल हमारे एक दोस्त हैं, सिंगर हैं। अच्छा, ओके। नुमान जलाल बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, बहुत नामवर सिंगर हैं। ओके। और उनके थ्रू उन्होंने एक बकायदा फर्स्ट मीट हुई हमारी, और बकायदा रिकॉर्डिंग पे। ओके। और यकीन करें मेरे लिए यार इतनी बड़ी रात थी वो। मैं भैया के साथ हम एक प्लेट में खाना खा रहे थे, और मैं बरकत भाई को कह रहा हूँ, मैं बोल बरकत भाई यकीन करें आज मेरे लिए इतनी बड़ी रात है कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि बरकत भाई के साथ में बैठ के खाना खा रहा हूँ। जिसको आप देखते हो, जिसको कॉपी करते हो, वो अचानक ऐसे मिल जाए तो वाकई बंदा शॉक्ड हो जाता है। एग्जैक्टली, इज दिस रियलिटी? एनीवे, तो फैमिली मेंबर्स से कभी किसी को इश्यूज हुए ये काम के? बहुत ज्यादा। मतलब थोड़ा सा बताओ ना, ये भी थोड़ा सा इस बारे में भी बताओ। पहले तो मैं फैमिली, अच्छा ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं। ओके। कि ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, क्योंकि आज हम ठंडे पानी से नहाए हुए हैं। आपने तो मेरी जो है ना दुखती रग पे जो है ना रख दिया। एनीवे, देन मैं बात कर रहा था अपने खानदान की। फैमिली तो सपोर्ट बहुत करती है, लेकिन फैमिली को जब रिश्तेदारी के यार अरे सलमा तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, ओ माय गॉड कहाँ जा रहा है, सॉरी सॉरी ओ अल्लाह देखो किसी बुरे फेल में तो नहीं है ना। Exactly. अरे भैया ये इस तरीके का चक्कर था, और अच्छा। सुबह ऐसा होता था कि गेट नहीं खुलता था, अब अम्मी के रिएक्शन, मैं गेट लॉक कर रहा हूँ, कौन अजमी बुखारी जा मनोज मारे जा, पूरी रात गुजारी है, दिन भी गुजारो। अच्छा। अब मैं वहां भाई चबूतरे पे ऐसे बैठ गया, कब नींद आई पता ही नहीं चला, जब सुबह गेट खुल रहा है तो ये वाइप आ रही है, डंडे टूट रहे कमरों पे। अरे भैया मतलब अच्छा। तो ऐसा असल में शुरू में मैं मेरे तकरीबन समझने 3-4 साल गालिबन इस तरीके से बड़ा हुआ, बहुत मतलब इस तरीके डिप्रेशन, यार खानदान वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, खानदान वाले मतलब। तो इस काम में क्या बुराई थी जो नॉट एक्सेप्टेड, व्हाई? असल में ये काम बड़ा अच्छा है। जेलस एक तो जेलसी, हाँ जेलेसी होती है भाई। जेलेसी क्यों है, किसी भी फील्ड के हवाले से, किसी भी फील्ड में, ओवरऑल इस टाइम बात कर रहा हूँ कि दूसरों का, हमारी प्रॉब्लम है, हमारी स्पेशली पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, हम दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट, इज फैक्ट राइट नाउ। तो मेरी सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, मेरी इस टाइम जो खाला मुना आपा देख रही होंगे, और मुना आपा ARY की हेड है, मेकअप की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बड़ी भाई मम्मी को, मैंने यार मलका देखो ला ये लड़का तुम्हारा क्या कर रहा है, ये किस फील्ड में चला गया, ये वाली बात है, किस फील्ड में चला गया, ये ऐसे ही करते हैं। और उन समझ लें, अच्छा मेरा फिर मिशन हो गया था, मैं और मेहनत में लग गया, मैंने बोला यार अब करके दिखाना है मुझे, ये जो मुझे इस तरीके से डिसार्ड कर रहे हैं, इस तरह मम्मी ने बहुत मारा, पापा ने बहुत मारा, अच्छा खाला भी जो है ना बेहती गंगा में 2-3 चमाट मार देते थे, अब मेरी उबली हुई शकरकंदी जैसा मुंह है और उबली हुई साबुतदानी बन रही है, बोला यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, यकीन करें। फिर उसके बाद then? तो निशा यकीन करें ऐसा हुआ कि मैं और मेहनत में लगन में लग गया मैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे ARY के मॉर्निंग शो फैसल कुरैशी साहब,
अच्छा। फैसल कुरैशी भाई उस शो को होस्ट कर रहे थे और बहुत कॉमेडियंस का वहाँ पर एज अ गेस्ट अपीयरेंस था और मैं भी वहाँ पे एज अ गेस्ट अपीयरेंस वहाँ पर वहाँ चांस लगा फिर एग्जैक्टली तो मेरी जो खाला है वही मेरा मेकअप कर रही है और मेकअप कर रही है और ऊपर से आंसू गिर रहे हैं वो किस लिए कि ये कैसे आ गया exactly, देखा मैं तुम्हें समझाती थी ना तुम नहीं समझे आज तुम देखो इस मुकाम पर आ गए मुझे कितनी सुकून मिल रहा है कितनी दिल को तसल्ली हो रही वाला खाला तुमने तो बहुत पहले मारा था अरे पगले वो तो मैं प्यार कर रही थी मतलब इस तरीके का भी यार दो चापलूसी टाइप लोग होते हैं एनीवे तो इसके बाद फिर तुमने स्टार्ट लिया फिर करते 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 तुमने माशाल्लाह से काफ़ी इंडोर्स कॉन्सर्ट वगैरह सारी चीज़ों में की मतलब ये होस्टिंग करते हो तो तुम्हें मतलब शुरू से शौक था कि मैं इसी कैटेगरी पे जाऊँ यही ज्वाइन करूँ इसी फील्ड को ज्वाइन करूँ जी बिल्कुल मुझे जब मेरा स्टार्ट हुआ जिसका मैंने आपको इंट्रो दिया रमीज का सर जमील साहब का इंट्रो मैंने दिया तो बस मेरा एक अहम बन गया था कि यार नहीं यार ये करना है और शायद मैं कर सकता हूँ फिर जब मैं छोटी छोटी शादी के शोज में जाना अभी तो माशाल्लाह आपने ठीक ठाक काम कर लिया अब तो बड़े बड़े ये देखने वालों का सबका प्यार है स्पेशली मेरी मम्मी की दुआएं हैं पापा की दुआएं हैं और कहते हैं कि उंगलियां तो सब उठाते हैं उंगलियां तो सब उठाते हैं लेकिन गले से सिर्फ और सिर्फ आपके अपने माँ बाप ही लगाते हैं एग्जैक्टली नाइस अच्छा कितना टाइम हो गया वैसे अजमी करते हुए निशा मुझे ऑलमोस्ट 13-15 साल के करीब करीब आई थिंक अच्छा कम एज में स्टार्ट ले लिया जी, जी, जी। अच्छा स्टडी पूरी कर ली या स्टडी को बीच में ही छोड़ दिया नहीं बस मैंने बीकॉम किया है और उसके बाद बीकॉम भी अच्छी है काफी कर लिया अच्छा पढ़ लिया मेरा समझा मैट्रिक करके छोड़ दिया होगा एनीवे अच्छा तो कभी फिल्म में ऑफर मिले नहीं मैंने ड्रामे में ऑफर मिले हाँ वो मेरा 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 एक अहम है और मैंने एक फिल्म करी थी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी क्या करेक्टर था मैं चर्सी का बना हुआ था भाई चर्सी का करेक्टर वो बोलने भाई हम तुम्हारी सेहत पे बस यही दे सकते इससे ज्यादा नहीं दे सकते अच्छा अगर इससे ज्यादा देंगे तो पहले दो ड्रिपे लगवा कर आओ फिर दे देंगे शायद बन जाए तुम्हारे कुछ लेकिन खैर वो भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हमारी और सईद भाई ने बड़ा अच्छा प्यार दिया एंड स्पेशली जावेद शेख साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद शेख साहब ने मुझे चैनल पर एक हमारी ई ट्रांसमिशन थी तो वो क्या यार कमाल आर्टिस्ट हैं वो तो लेजेंड है लेजेंड से वो वैसे लोग आप क्राज में कहती हूँ पाकिस्तान में आ ही नहीं सकते एग्जैक्टली ऐसे ही ऐसे और यकीन करें एक होता है ना कि यार ये कितना बड़ा आदमी है कितना बड़ा लेजेंड और उससे आप जो है ना दबोगे दबाओगे या डरोगे या वो लेजेंड्स आपको इग्नोर करेगा ऐसा हुआ ही नहीं अच्छा। फर्स्ट हमारी मुलाकात और हमें मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यार इतना बड़ा यार जावेद शेख इतने बड़ा नाम इतना बड़ा आर्टिस्ट लेकिन शेख साहब ने हमें वही मेकअप रूम में हमारा मेकअप हो रहा था इधर शेख साहब का इधर मेरा इधर बराबर में मतीरा भी बैठी हुई जब तो मतीरा बिल्कुल ये पतली दुबली अब तो ये आलू का टमाटर और क्या तुम्हारा अभी सुनने को हमें मिलेगा बहुत सारी चीजें तो अब तक अच्छा आपको पता है यकीन करें आजकल कराची में बारिशें बहुत हो रही हैं हाँ एग्जैक्टली अभी आजकल तो बड़ा अच्छा प्यारा मौसम चल रहा है लो जी आपका भाई चला गया तारिक रोड मुंह मेरा तारिक रोड जैसा नहीं है ओके तारिक रोड चला गया खातून ने टकने से माइंड ऊपर घरे में Okay. मैंने बोला भाजी आपने ढकने से पांच ऊपर क्यों करे मैं क्या करी देखो बेटा बात दरअसल ये तुम्हें पता आजकल की राजी में बारिश बहुत हो रही है okay. वाला शुक्र करो बहन तुम पंजाब नहीं गए वहां तो पूरा सैलाब आया मैं Anyway, तुमने माशाल्लाह बाहर भी आई थिंक किया हुआ है जी तो मैंने कैसा एक्सपीरियंस रहा दुबई वगैरह में अमेजिंग अमेजिंग सईदुल इस्लाम साहब हमें फर्स्ट टाइम लेके गए शो में वो शो बस ऐसी समझ लें माँ की दुआएं या मतलब उस शो में मैं नहीं था अच्छा। उस शो में नामवर भाई कॉमेडियन इंडिया के यहाँ कराची पाकिस्तान के शकील सिद्दीकी भाई लाला भाई इस तरीके का जो ट्रा इस तरीके की कास्ट और मैं बस एक वेडिंग का शो कर रहा था अच्छा मुझे ये भी नहीं पता कि ये सईदुल इस्लाम साहब हैं ये प्रमोटर हैं अच्छा तो सईद भाई ये फुल फ्लाइट ये मोटे ओके इधर आओ बेटा इधर आओ मैं मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ मैंने बोला लग रहा है कोई पीछे हाँ हाँ तुम्ही को बुला रहा हूँ बोला अच्छा अस्सलाम वालेकुम हाँ भाई ना मुझे जानते हो मैं बोला नहीं सर मैं नहीं जानता अरे आई एम सईदुल इस्लाम इंटरनेशनल प्रमोटर ये वो थैंक यू पासपोर्ट बना हुआ आपका मैं बोला नहीं सर मेरा पासपोर्ट तो नहीं बना हुआ बेटा जल्दी बुलाएं
नेक्स्ट मंथ हमने ये फला फला, अच्छा मुझे लगा कि यार ऐसी भाषण ऐसी फेंक रहा है, हाँ। क्योंकि ये बोझ ऐसा होता है ना, तो मैंने यार इग्नोर करा। तो 2-3 दिन के बाद फिर दोबारा उनका फोन आया, ये मैं फर्स्ट बता रहा हूँ जब मैं दुबई गया। तो दोबारा जब उनका फोन आया, अरे मैं तो खुशी से पागल में, बोले नहीं यार बाकी ये बात कोई सच है भाई, सच है, लग रहा दाल मेरी गल जाएगी। दोबारा मैं भाई अच्छा जी सर सॉरी सर मैं ये वो। अब जब मैंने पासपोर्ट वगैरह बनाया तो यार अमेजिंग, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे फौरन हवाई मरकज से मैंने बनवाया था, उन्होंने मुझे फौरन भाई वेलकम करा, बोले बेटा आ जाओ गुलशन में उनका घर है। तो गया मैं यार, फर्स्ट मुलाकात में उन्होंने मुझे एडवांस दिया, मतलब ये देखें अच्छा, अच्छा मैं समझा क्योंकि मतलब एक होता है ना चीट करना या वो, नहीं भाई नहीं, क्या कमाल आदमी, उन्होंने भाई मुझे एडवांस के पैसे दिए बेहतरीन, उन्होंने मुझे जो है ना VIP लंच का ओकेजन बना के दिया, फिर मुझे पैसे वैसे दिए, ये फिर तुम्हें यकीन आ गया कि वाकई अब मैं दुबई जा रहा हूं। मैं समझ गया भाई पक्की बात है। फिर जब मैं अच्छा दुबई जब जिस दिन मुझे दुबई जाना था, यकीन करें अरे मैं पूरी रात सोया ही नहीं खुशी के मारे। वाकई में मैं रंचो लाइन कभी जिंदगी में नहीं गया और मैं एकदम से दुबई चला जाऊं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली तो, यार मैं दुबई के लिए अरे मैं पागल हो रहा हूँ यार, वहाँ तो बच्चियां भी टाइट टाइट, अरे ऐसी बच्चियां वो भाई आपके भाई को बोलिए एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, और वहां पे भाई वो अफ्रीकन भी मिले मुझे मिले वो अच्छा। मैं समझा कि ऊंट की सवारी कर आप बोल गया, अब मैं बोल रहा हूँ यार क्या कर रहा है ये। यकीन करें उसके मेरे सर को देखा अच्छा। अफ्रीकन की बात को मैं बता रहा हूँ, अफ्रीकन का मैंने सर देखा, इतना बड़ा सर था ऐसा लग रहा बच्चा उल्टा सो रहा है। अरे भैया मैंने बोला यार ओके, फिर वहां गए शो किया, शो के लिए भाई वहां उन्होंने बोला कि भाई जो आपको करना है फिर एंड दिया अच्छा। सईद भाई ने सईद इस्लाम साहब ने फिर एंड दिया कि जो आपको करना है बेटा करो, ये नहीं कि भाई ये नहीं करना ये नहीं करना, बिल्कुल बेल्ट वाली कहानी नहीं थी करा। तो भाई वाह 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 वाह, दो शो थे हमारे पहले जब हम गए थे फर्स्ट टाइम दुबई वहां, फिर हम सईद भाई के जब मैंने फोर्थ शो मतलब 4 दफा रिप्रेजेंट किया और 4 दफा ही मुझे सईद इस्लाम साहब लेके गए, और जब फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ तो उसमें भाई इंडिया के नामवर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भाई अब नहीं है दुनिया में, और सुनील गोवर सुनील पाल भाई इस तरीके की वही वो जेंट्री तो ओए। अच्छा मेरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली तो मुझे मोइन साहब अल्लाह बख्शे मरूम मोइन अख्तर साहब की एक बात याद आ गई कि अबे बड़ा कोई नहीं होता भाई, बड़ा बड़ा कोई नहीं होता, बड़ा अपने काम से बनता है। Exactly, ऐसा ही हकीकत वो बड़े अगर बने वो अपने काम से बने हुए, तुम भी कुछ ऐसा करो कि अपने काम से बड़े बनो, ये चीज़। तो निशा मैं वहां पर बिल्कुल नॉर्मल, मतलब एक होता ना यार अरे दादा निशा एक्सक्यूज मी मैडम आई एम अ बिग फैन, मतलब वो वाला ओकेजन नहीं था, मैं बिल्कुल रिलैक्स चिल करने वाला माहौल ये वो भाई वो वाली बात इस तरह तो नॉर्मल, और उससे मैंने बस वही बात को अपने ज़हन में दोहराता गया के काम से ही आप अपना नाम बनाते हैं। अच्छा गया फिर इस तरीके का ओके ओके अच्छा, कभी किसी से मोहब्बत हुई जिंदगी में, लव शफ हुआ किसी से? सोचने लग गए कोई ना कोई तो जज्बात मेरे अंदर से बाहर आ सोचने लग गए तुम, कोई ना कोई तो बात है हुई है, मतलब मोहब्बत हुई है यार, मोहब्बत ने देखे हर किसी को होती है। अच्छा कामयाब नहीं हुई तुम्हारी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अनमैरिड हो ना अभी तो तुम? मैं माशाल्लाह से 2 बेटियां एक बेटा है मेरा। ओह सीरियसली? अच्छा ग्रेट यार, मैं तो सब सिंगल समझ रही थी। नहीं 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 अच्छा तुम, आपकी आंखों का धोखा है, यकीन करें मेरी अम्मा ने मुझे जो है ना साफ पर्दों में छुपा के रखा हुआ था। अच्छा लड़कियों की नजर से? ओह माय गॉड, शादी लव मैरिज की फिर? ये असल में अरेंज है मम्मी पापा की पसंद से, लेकिन एक बात यहाँ व्यूअर्स को मैं बता दूं, यकीन करें आप सबसे जितने भी मेरे दोस्त हैं जितने भी यंगस्टर हैं आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिंदगी का जो फैसला है वो माँ बाप के हाथ में दे दो, आपकी जिंदगी का फैसला यकीन करें आने वाली जिंदगी के फैसले को ऐसा कामयाब बना देगी, ऐसा कामयाब बना देगी और पुरसुकून लाइफ में आप जो आपने कभी सोचा भी नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके देन, तो मुझे नहीं पता कि मेरी मतलब कभी जिंदगी में अपनी बीवी से लड़ाई हो। अच्छा तो मतलब है ही नहीं, है ही नहीं फ्रेंडली। तो आपकी एज क्या है वैसे? मेरी देखें 32 है इस टाइम। अच्छा आप मतलब यू आर वेरी मेंटेन लगते नहीं है। थैंक यू ये बस माँ बाप की दुआएं। अच्छा अमूमन ऐसा होता है ना कि यार लड़कियां बोलती हैं कि देखो जानू ये लेकर आ जाना, ये लेकर आ जाना,
ये क्यों नहीं लेकर आए, वो क्यों नहीं लेकर आए। अच्छा मेरे साथ ये सीन ही नहीं है, उसको पता लाएगा ही नहीं। ओह ग्रेट। अच्छा दूसरी शादी करने का मौका मिले तो करेंगे? नहीं नहीं अल्लाह ना करे। क्यों क्यों? बच्चे बड़े हो रहे हैं अब तो। वो वाला सीन भी नहीं है। अच्छा वो वाला सीन कौन सा? मतलब वो वाला सीन कौन सा जो आप समझ रहे हो वो ठीक है, लेकिन वो वाला सीन भी बताओ ना थोड़ा सा। अच्छा इतनी बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाते हो कि लड़कियां तो दीवानी होंगी, गिरती होंगी, तब क्या करते हो फिर? बस अपने हद तक ही है, अगर इसमें अगर लग गए तो फिर आप अपने काम से जो है ना इंसाफ नहीं कर पाओगे। तो कभी भी किसी कोई लड़की पसंद नहीं है जिंदगी में? इतना आउट ऑफ कंट्री गए, इधर गए, बहुत आए, लेकिन जब मेरे बच्चे जब माशाल्लाह से अब बड़े होना शुरू तो फिर मैंने बोला नहीं, तुमने मतलब सुधार लेना चाहिए, सुधार लेना चाहिए ना अपने आप को। ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि जब बच्चे बड़े तो लोग थोड़ा सा मर्ज होते हैं, वो सेट हो जाते हैं। नहीं 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 ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस मैं यही देखने वालों को कहूँगा भाई जिंदगी में शादी एक दफा, जिंदगी में मोहब्बत एक दफा। अच्छा बस। और जो बार बार करते हैं उनके बारे में वो बेकार है, नाकाम हो जाएंगे वो अपनी जिंदगी को नाकामी की तरफ लेके चले जाएंगे। ओके बचपन की लाइफ अच्छी थी या अभी वाली लाइफ ज्यादा अच्छी है? बचपन बचपन है, बचपन तो कभी जिंदगी में भूलने वाला ही नहीं है। अच्छा ओके ग्रेट। जब आपको मिट्टी खाने का मौका मिले किंचे खाने का मौका मिले हैं, वो वाला ओकेजन और आपका, तो अब तो आपको जो है ना घर से निकले हाय अल्लाह रजिए के भी पानी आ गया। अच्छा पड़ोसियों के क्या रिएक्शंस होते हैं जहाँ आप रहते हैं? थोड़ा सा होंगे ना ओल्ड माइंडेड लोग? नहीं पड़ोसियों का पहले मैंने बताया ना, जैसे स्टार्टिंग में जब 3-4 साल के लगभग बड़ी प्रॉब्लम, तो अब तो पड़ोसी भी भाई बड़े खुश हैं कि मतलब ये, वरना पहले ऐसा होता था अबे हमारे पड़ोस में ही तो मरासी रह रहा है मतलब ये वाला भी था, लेकिन अब तो अच्छा। भाई मतलब इस तरह की कहानी नहीं नहीं यार एक है। ओके ओके। अच्छा कहीं कहीं जगह पर अब इस तरीके का ओकेजन मैंने देखा कि यार थोड़ी सी चेहरे की जो शब्बो शबाद है वो लोग जो है पहचानना शुरू करना ये वो इस तरीके से। अच्छा अजीम थोड़ा सा ये बताएं, अक्सर आप शोज वगैरह कह रहे होते हैं तो कभी समटाइम्स ऐसे पीपल बैठे हुए होते हैं कि वो हंसते ही नहीं है, इस वेरी मतलब समझो पत्थर के होते हैं बैठे हुए होते हैं, कुछ समझते ही नहीं है, ना हंसते ना बोलते, तो उनको कैसे फिर हंसाते हो? भाई बहुत, ये तो खैर बहुत दफ़ा हुआ है, और एक वाकिया 1.5-2 साल हो गए इस बात को। हैदरी चला गया मैं शो में, मुझे मेमनों ने बुला लिया। ओके अरे भाई जिस साहब ने बुलाया, अब मैं अंदर ओकेजन में जब मैंने बोला ये क्या फूल ये ढक्कन गिराए हुए अच्छा। इतने बड़े बड़े घूंघट पहने हुए। ओके अंकल ने चढ़ा दिए, जाओ भाई जाओ बेटा स्टेज पे जाओ स्टेज पे चढ़ो। ओके मैं स्टेज पे चला गया। ओके ओ बोला यार ये क्या है, ढक्कन कब खुलेंगे, ढक्कन कब खुलेंगे, ढक्कन कब खुलेंगे। नहीं भाई अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, लतीफे सुना रहा हूँ, भाई वो हो गया ये हो गया, फलां की शादी में ये करा हमने ये करा, अभी जब मैं आ रहा था ये हो गया वो हो गया, हल्की सी चूचा हो रही है। बोला अल्लाह शुक्र। मैं अब मैं बोल रहा हूँ यार हंस क्यों नहीं रहे, हंस क्यों नहीं रहे। अच्छा अब मैं जोर लगा रहा हूँ और भाई मैं लतीफे सुनाने में लगा हूँ, सुन तो एक खातून थोड़ी सी हंसी तो मेरी सांस में सांस में बोला ले भाई हंस रहा है। ओ चचा कह रहे क्या हो गया तुम्हें, क्या मतलब है, बदतमीजी कर रही हो, एक लड़का कुछ सुना रहा है अदब से सुना रहा है, उसकी बात सुनो क्या कह रहा है। मैं बोला चचा ये क्या कर रहे हैं। ओके Anyway, वो भाई वो ये वाला बैड सीन हुआ था, फिर कैसे कैसे हंसाया फिर? नहीं ना कहा हंसे ही नहीं भाई, मैंने कोई 20-25 मिनट कॉमेडी करी है। अच्छा। उसमें से बस मेरा ख्याल 3-4 ही खातून तबर्रुक के तौर पे हंसी है। ओके चलो। और अच्छा एक कभी ऐसा भी होता है कि आप हॉस्पिटल में गए हैं तो आपको सोशल मीडिया से आपके फैन या वैसे आपको पहचानते हैं लोग? हाँ, वो बोलते होंगे थोड़ा सा एग्जैक्टली यार दो लतीफे सुना दो भाईजान। हाँ। दो लतीफे सुना, लेकिन उनका ज़ेहन जो है वो अपना वो उन्होंने बनाया हुआ होता है, लेकिन ये नहीं देखते कि यार इसकी क्या मजबूरी है, इस टाइम ये जो एग्जॉस्ट हुआ है ये क्या किस कंडीशन में मुब्तला है। और एक मैं हॉस्पिटल में यकीन करें तो मेरे हाथ में ना पूरी मेडिकल स्लिप थी। ओके और मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पर, देख रहा है वो लड़का, अच्छा बड़े अच्छे वही वो वेल एजुकेटेड लड़के दोनों, तो देख रहा है कि यार मैं जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर पे, जब मैं आया यार भैया अजमी भाई दो लतीफे प्लीज दो लतीफे। ओके मैं बोला यार आप अच्छी फैमिली से डिफरेंट फैमिली से लग रहे हो आप यार वाकई कैसे कैसे लोग होते हैं। अच्छा एक और बड़े मजे का सीन हुआ। ओके अरे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मेरे चचा आए अमेरिका से, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, पीआई की बात बता रहा हूँ, मैं पीआई भाई मैं एयरपोर्ट जब मैं वॉशरूम जा रहा हूँ
अब मैं बोल रहा हूँ यार वॉशरूम जा, अरे नहीं यार वो प्लीज यार एक एक प्लीज एक, अरे वॉशरूम जा, अरे नहीं एक बार एक यार एक बार, अरे मैं बोल रहा हूँ वॉशरूम जा, अरे यही तो कॉमेडी है। अरे भाई यार ये बड़ा भाई खुद उसका पंपी के मुंह जैसा बच्चा वो, अरे भाई वो यार खैर अल्लाह पाक, ये जिंदगी है तो भाई यही होता चलता है। और यही भी चाहने वाले हैं जो आपसे इस तरीके से लगे, इसी का नाम जिंदगी। ओके ओके आज़मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और टाइम का पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ यार, इतना मजे का शो हुआ है। सीरियसली मैंने इतने शोज किए लेकिन तुम्हारे साथ वाकई मुझे बहुत मजा आया। एंड देन कोई मैसेज देना चाहोगे हमारे क्या बोलते हैं आवाम को? जी ऑब्वियसली मैं यंगस्टर को एक मैसेज ये दूंगा कि कुछ बने या ना बने, कि कुछ बने या ना बने, बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बने, सहारा जरूर बने। ग्रेट, ऑसम, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे एज़मी बुखारी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ, उस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।